माताओं, बेटियां, बहनों, बच्चों, महात्माओं से तो मैं कह नहीं सकता, सभी साधक गण से प्रार्थना है, भजन में बढ़ने के लिए जितनी जल्दी हो चाबी फेंको। हाँ, चाबी फेंको, काम भर को रखो आनंद में, आनंद में, रोगा के नहीं, आनंद में। कुछ क्रिया में जाने की आवश्यकता भी नहीं है, वैराग्य में आने के लिए क्रिया की आवश्यकता नहीं है, वैराग्य क्रिया नहीं है डियर, वैराग्य स्थिति है। भगवान के सगुण भाव के प्रति राग अनुराग है और चिद तत्व के प्रति अनुराग वैराग्य है। वैराग्य आएगा कैसे? परमात्मा परम प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से अरण्य कांड में भक्ति योग में कहा, धर्मत वीरते जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद जाते बेगी द्रौ में भाई, जाते बेगी द्रौ में भाई, सोम भगति भगत सुखदाई, फिर फंसी बात, फिर बात फंसी ब्यास जी। प्रभु कहते प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, प्रथम फिर फंसी बात, निरत श्रुति निज निज धर्म, उत्तरकांड निरत श्रुति सरल स्वभाव नमन कोटिलाई, सरल स्वभाव ये भक्ति भाई, जाते बेगी
आपको कल या परसों निवेदन किया था, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै। अब ये विषय जो है इनसे वैराग्य उपस्थित होने के लिए चित्त में जीवन में धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को भगवत सेवा की ओर लगाते रहना चाहिए। ये उपाय जब भगवान की ओर बढ़ेंगी सहजावस्था आएगी। अब भगवान की ओर कैसे बढ़ेगी, घर में रहेंगे, संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विदायते संगते जति, संसार के संसर्ग में निरंतर बने रहने से विषयों से वैराग्य नहीं होगा। घर में भी रहना है तो आंख को वश में रखना होगा, जिह्वा को इससे अधिक वश में रहना होगा, श्रुति कान को और वश में रखना होगा, त्वक को वश में रखना होगा। अर्थात देखिए थोड़ा, बोलिए उससे कम, सुनिए थोड़ा, बोलिए पहले वाले से भी कम। तो धीरे धीरे क्या बोलेंगे, या तो भगवान नाम में लगे रहेंगे, उलझन होगी नहीं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।